प्रदेश में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। नेता आए दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते नजर आए। जहां भारतीय जनता पार्टी शासन है वहां चुप है, जहां उनकी सरकारें नहीं वहीं हल्ला करते हैं। देश में उनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत है लोकसभा में भी राज्यसभा में, वो बिल क्यों नहीं लाते, उसको रोका कौन है? तो वो काम तो करना नहीं, उनको तो राजनीति करना है। मतलब समाज में जहर कैसे घोला जाए, भाई भाई से को कैसे लड़ाया जाए, क्योंकि जब तक के वो लड़ाई नहीं कराएंगे तब तक के उनका भला होने वाला नहीं है। हम आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है, प्रशासन के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है, शासन का सह प्राप्त है, सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण हो रहा है। और यह धर्मांतरण नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है, ये मतांतरण है, जो किसी भी प्रदेश के लिए ठीक नहीं है आने वाले